हेलो दोस्तों, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का चौथा क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं इस सेशन का। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ ताकि मैं क्लास को शुरू कर दूं। तो जो जो भाई बंधु नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि यही वो जरिया है जो हमारे और आपके बीच माध्यम का कार्य करती है। और इसके बावजूद भी अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं जाती है तो आप हमारे इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जो कि है सक्सेस स्पेस देकर की 98 लिखिएगा। और अगर आप पीडीएफ पाने के इच्छुक हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे www.successki98.in पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएंगे। और जिनको मॉक टेस्ट देना है वो जाकर successki98.org पर जाकर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए फिर क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ए रहा, आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा। वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? ये सारे प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूं, ये एक तरह से आपके लिए रिवीजन है, तो आशा करता हूं आंसर्स मुझे सही मिलेंगे इसके, तो फटाफट बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, और आंसर्स भी आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बैरोमीटर इज द करेक्ट आंसर। और इसको छोड़कर जो है बाकी जो हैं मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। हेक्सामीटर जो है वो एक फॉर्म ऑफ मीटर है जो कि रिदमेटिक पोएट्री जब लिखी जाती है तो उस रिदम में लिखी जाती है, उसको मापने के लिए होती है हेक्सामीटर। नैनोमीटर तो आप जानते ही हैं, यूनिट ऑफ लेंथ है। और ग्लूकोज मीटर है ग्लूकोज मापने का यंत्र। चलिए दूसरा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। वर्षा को मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? ए लूसीमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी हेटोमीटर या डी हाइग्रोमीटर। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका भी। वर्षा को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? लूसीमीटर, लैक्टोमीटर, हेटोमीटर या हाइग्रोमीटर। और काफ़ी यहाँ भी मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, तो मैं इसका बता देता हूँ। इसका आंसर होगा हाइटोमीटर। हाइटोमीटर का मतलब होता है, इसका एक दूसरा नाम है वो है रेन गज, तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि ए बारिश से रिलेटेड है। और बाकी का जो है लूसीमीटर, ए लाइट इंटेंसिटी प्रकाश का तीव्रता मापती है। लैक्टोमीटर तो आप समझ में आ ही गया होगा, दूध की शुद्धता को जांचने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। और हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी में पानी की मात्रा को जाँचती है। चलिए तीसरा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किसने किया? ये प्रश्न मैं पहले करा चुका हूँ, आशा करता हूँ इसका उत्तर मुझे सही मिलेगा। आपके ऑप्शंस हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी जे एफ कैंट्रेल, सी एलिसा जी ओटीस और डी रिचर्ड ट्रेवर्थिक। फटाफट उत्तर दीजिए सभी, और काफ़ी आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया यार, जी हाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द करेक्ट आंसर। और उस रॉड को फ्रैंकलिन रॉड भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका आविष्कार उन्होंने किया था 1752 में। तो चलिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइस बताता है कि किसी प्रोग्राम के निर्देशों का उत्तर कैसे देना है? आपके ऑप्शन हैं स्टोरेज यूनिट, बी इनपुट डिवाइस, सी कंट्रोल यूनिट या डी लॉजिक यूनिट। तो फटाफट आंसर दीजिएगा इसका भी। निम्नलिखित में से किस से कंप्यूटर मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, इनपुट और आउटपुट डिवाइस बताता है कि किसी प्रोग्राम के निर्देश का उत्तर कैसे देना है? और बहुत बढ़िया यार, काफ़ी आंसर यहाँ भी सही आ रहे थे। जी हाँ, कंट्रोल यूनिट इज़ द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने यहाँ पर आंसर दिया है सी, उनका उत्तर एकदम ही सही है। अगला प्रश्न, पाँचवा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। पेस्चराइजेशन का आविष्कार किसने किया? ये प्रश्न भी मैंने काफ़ी बार कराया हुआ है, तो इसका उत्तर दीजिएगा। हु इन्वेंटेड पेस्चराइजेशन, तो नाम में ही उनका है, तो इसका आंसर कम से कम गलत ना करें आप, आशा करता हूँ इसका आंसर मुझे सही मिलेगा। जी हाँ बहुत ही बढ़िया यार, जी हाँ सी लुईस पेस्चर इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने आंसर दिया है लुईस पेस्चर, उनका उत्तर एकदम ही सही है। जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा, यहाँ गलत करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। अगर नाम आप ध्यान से पढ़ लेते हो आप उत्तर दे देते।
छठा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। इलापिडाइनाजा किसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है? ए कोबरा, बी हाथी, सी इग या डी उल्लू? फटाफट उत्तर दीजिए इसका। इलापिडाइनाजा किसका वैज्ञानिक नाम है, कोबरा, हाथी, बाज या उल्लू? काफी आ रहा है यहाँ अभी, तो चलिए कोई बात नहीं, मिक्स आंसर्स आ रहे हैं काफी, तो इसका आंसर होगा कोबरा। इलापिडाइनाजा जो नाम है वो कोबरा का एक नाम है वैज्ञानिक। तो जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया था ए जो कि बहुत कम था उनका उत्तर एकदम सही था, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फार्मूला बताना है आपको एल्यूमिनियम नाइट्राइड का। AlN, Al2N, AlN2 और Al3N। तो फटाफट बताइएगा इसका भी आंसर। सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा आपको, गलत करिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गलत कर लीजिए जितना करना है, लेकिन अपने आंसर को ठीक करते हुए जाइएगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ काफ़ी अब यहाँ भी मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आंसर होगा AlN। एल्युमिनियम नाइट्राइड का जो रासायनिक सूत्र है वो है AlN, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? इस टाइप का प्रश्न मैंने कल भी करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप जितने एलिमेंट हैं उनका सिंबल और उनका एटमिक नंबर आप याद कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इसका उत्तर बताइएगा किस तत्व का परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरीन की एटमिक नंबर कितनी है। तो क्लोरीन की जो एटमिक नंबर है वो है 17। तो अब बताइएगा आप लोग इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो काफ़ी आंसर्स यहाँ भी आ रहे हैं जी, तो चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पोटेशियम, ए पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर, जिसका एटॉमिक नंबर है 19। तो बाकी कभी मैं बता देता हूँ आपको, सल्फर जो है वो है 16, एल्यूमिनियम जो है वो है 13 और फास्फोरस जो है वो है 15। तो 17 से ज़्यादा कौन है, किसका एटॉमिक नंबर है, वो है पोटेशियम का। तो जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका उत्तर एकदम ही सही है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नौवां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। काफ़ी इजी प्रश्न है, काफ़ी बार कराया हुआ है मेरा। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ISP का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट है ध्यान दीजिएगा, एक जगह इंटरनेट है एक जगह इंट्रानेट है, सी इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर या डी इंट्रानेट सिस्टम प्रोवाइडर? तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका भी, अब काफ़ी उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका आंसर जी हाँ ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है ए उसका उत्तर एकदम सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का दसवां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। यूरानाइट किसका एक अयस्क खनिज है? ए जिंक, बी यूरेनियम, सी टाइटेनियम या डी एल्यूमिनियम? तो काफ़ी इजी प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान देकर इसका उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूँ इसका आंसर तो मुझे सही मिलना ही चाहिए। यूरानाइट किसका एक अयस्क या खनिज है, फटाफट बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जी हाँ बी यूरेनियम इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है बी यूरेनियम उनका उत्तर एकदम सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 11वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए रेजरनेट, बी डाइजपाम, सी फॉलिक एसिड या डी हाइड्रोलाजिन? फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर भी आप बोल सकते हैं इसको,
पेशेंट का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग करते हैं? रेजरनेट, डाइजेपम, फोलिक एसिड या हाइड्रोलाजिन। तो काफ़ी यहाँ भी मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए मिक्स आंसर्स तो आना लाजमी है, मुझे पता है आएगा ही। तो इसका सही उत्तर है वो है डी, हाइड्रोलाजिन इज द करेक्ट आंसर जिन्होंने दिया है। तो बाकी जो है जैसे रेजरनेट जो है वो है बोन फॉर्मेशन का दवा है, अगर आपकी हड्डियाँ कमजोर होती हैं तो डॉक्टर इसको सजेस्ट करते हैं। डाइजेपम जो है वो एनजाइटी की दवा है, डाइजेपम। अब फोलिक एसिड तो काफ़ी जानते होंगे इसके बारे में, इसका एक नाम फोलेट भी है, विटामिन B9 है ये, और इसको प्रेगनेंसी का सुपर हीरो कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। चुकंदर बीट का पौधे का किस कौन सा हिस्सा है? ए मुख्य जड़, बी आकस्मिक जड़, सी तने का कंद या डी रिजोम। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। आवाज़ सही नहीं आ रहा तो आवाज़ आप बढ़ा लीजिएगा वॉल्यूम, यहाँ आवाज़ एकदम क्लियर है, और अगर बफरिंग हो रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। तो जी हाँ, चुकंदर बीट पौधे का मुख्य जड़ है, टैप रूट है। तो जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है ए, उसका उत्तर एकदम सही था, जिन्होंने गलत किया था प्लीज़ ठीक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये प्रश्न भी मैंने बहुत बार कराया हुआ है, कन्फ्यूजन होते हैं काफ़ी इसमें भी, चलिए बताइएगा। ए DNA, बी RNA, सी क्रोमोजोम या डी जिन। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका भी। अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? DNA, RNA, क्रोमोजोम्स या जिन। और काफ़ी आंसर सही आ रहे हैं यहाँ पे जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने यहाँ पे दिया है डी जिन, उनका उत्तर एकदम सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आज का 14वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। एस्टिक एसिड को किसके रूप में जाना जाता है? ए कास्टिक सोडा, बी स्पिरिट, डी बेकिंग सोडा या डी सिरिका। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। फटाफट बताइएगा, चलिए रिफ्रेश कर लीजिए ना, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। तो जी हाँ, सिरिका इज द करेक्ट आंसर, जिसको मैंने आपको अगले दिन की क्लास में बताया था। एस्ट्रिक एसिड जो है वो सिरिका अम्ल भी उसको बोलते हैं हम लोग। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। हाइपरटेक्स्ट का आविष्कार किसने के द्वारा किया गया था? ए जीन एंटनी नॉलेट, बी अल्फ्रेड नोबल, सी जोसेफ नाइसफो निपस और डी टेड नेल्सन। हाइपरटेक्स्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, फटाफट बताइएगा। जीन एंटोनी नॉलेट, अल्फ्रेड नोबल, जोसेफ नाइसफो निपस या टेड नेल्सन। तो काफ़ी यहाँ भी आ रहे हैं आंसर्स, मिक्स आंसर्स काफ़ी आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका आंसर भी मैं बताता हूँ, तो इसका सही आंसर है थियोडोर होल नेल्सन, जो कि टेड नेल्सन जिसको बोलते हैं हम लोग, उन्होंने आविष्कार किया था हाइपरटेक्स्ट का 1963 में। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। यदि एक गति में घूर्णन का अक्ष वस्तु के माध्यम से नहीं गुजरता है तो गति को क्या कहा जाता है? ए घूर्णन गति, बी ऑस्लोलेटरी गति, सी ट्रांसलेटरी गति या डी कक्षीय गति। तो यहाँ भी काफ़ी आंसर सही आ रहे हैं जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ऑर्बिटल मोशन, जी हाँ कक्षीय गति इज द करेक्ट आंसर, बहुत ब्रिलियंट जा रहे हो आप लोग। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। एक तैरती हुई वस्तु पर
ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? कोई वस्तु अगर तैर रही है तो उसके ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए जर्क, झटका, बी उछाल, सी आर्किमिडल बल और डी गुरुत्वाकर्षण विरोधी बल। तो फटाफट इसका भी उत्तर दे दीजिएगा। काफी आंसर यहां भी आ रहे हैं। जी हां, बी वेंस उछाल इज द करेक्ट आंसर। अगर हमारे शरीर का बल, जो बल पानी के भीतर होता है उससे सेम अगर बल हमारा ऊपर भी रहे तो बॉडी जो होगा वो पानी पर आराम से तैरेगा, जो कि उछाल कहते हैं उसको। 18वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। किसकी वजह से महिलाओं की आवाज अनिमेषित होती है? ए कम आवृत्ति, बी उच्च आवृत्ति, सी अनुमेषित स्वर या डी मजबूत उपकंठ। तो फटाफट उत्तर दीजिए इसका। किसकी वजह से महिलाओं की आवाज अनिमेषित होती है? श्रील वॉइस बिकॉज ऑफ, उच्च आवृत्ति, कम आवृत्ति, अनुमेषित स्वर, मजबूत उपकंठ। तो काफी आंसर यहां पे मिक्स आ रहे हैं कुछ, लेकिन जो मैक्सिमम आंसर सही आ रहे हैं, जी हाँ, बी हाई फ्रिक्वेंसी उच्च आवृत्ति इज द करेक्ट आंसर। महिलाओं का जो आवाज होता है उसमें हाई फ्रिक्वेंसी होती है जिसके वजह से उनकी आवाज अनुमेषित होती है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। हिट्रोस्फीयर का ऊपरी भाग लगभग पूरी तरह से किस गैस से बना होता है? ए ओजोन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी हाइड्रोजन। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। हिट्रोस्फीयर का ऊपरी भाग लगभग पूरी तरह किस गैस से बना होता है? ए प्रश्न भी मैंने काफी बार कराया हुआ है, तो चलिए मिक्स आंसर आ रहे हैं अभी, तो यहां बता दूं मैं। हिट्रोस्फीयर में जो भाग, जो गैस भरेंगे या जो गैस रहेंगे वो कौन से रहेंगे जो सबसे ज्यादा हल्के होते हैं? तो जी दिए हुए ऑप्शन में क्या है हल्का गैस? हाइड्रोजन सबसे लाइट है। तो हिट्रोस्फीयर में जो सबसे ज्यादा गैस बनते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस जो हल्के होते हैं। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। आयरन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ए बेरीबेरी, बी अपनातिका टिटनी, सी क्वासिस्कोर और डी एनीमिया खून की कमी। तो काफी आंसर्स यहां भी आ रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। जी हाँ, एकदम करेक्ट आंसर है, 20वां का एकदम सही उत्तर है डी एनीमिया। आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाती है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आज का 21वां प्रश्न, आशा करता हूं इसका भी उत्तर सही मिलेगा मुझे। इनमें से क्या एक पत्ती है जहां वरक को मध्य शिराओं के साथ व्यवस्थित किया जाता है? ए पाइनेटली यौगिक पत्ती, बी पामेटिक यौगिक पत्ती, सी यौगिक पत्ती या डी साधारण पत्ती। तो सबसे पहले मैं ये जो बोल रहे हैं उसका मतलब बता देता हूँ। वरक के मध्य सिराओं से जो पत्तियाँ निकलती हैं उनकी बनावट करीब करीब इस तरह की होगी, मतलब दोनों साइड में पत्तियाँ होंगी, उसे क्या बोलते हैं? पाइनेटली, पेमेटिक, यौगिक या साधारण पत्तियां, छुई मुई की तरह पत्तियां आपने देखी होंगी। तो जी हाँ, एकदम करेक्ट आंसर है, पाइनेटली पत्तियां इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने आंसर दिया है पाइनेटली यौगिक पत्ती, उनका उत्तर एकदम सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आज का 22वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? ए सोनी, बी ग्रैंडिंग, सी पैनासोनिक या डी टेक्सस इंस्ट्रूमेंट। ए प्रश्न भी काफी बार कराया हुआ है तो इसका उत्तर दीजिएगा। ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किस कंपनी के द्वारा किया गया था? ए सोनी,
बी ग्रंडिंग, सी पैनासोनिक या डी टेक्सस इंस्ट्रूमेंट। तो काफी उत्तर आ रहे हैं यहाँ भी मिक्स, काफी मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका उत्तर मैं देता हूँ, ये है टेक्सस इंस्ट्रूमेंट। जिन्होंने उत्तर दिया है टेक्सस इंस्ट्रूमेंट उनका उत्तर एकदम सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न, ये रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। एंटी हिस्टामाइन के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटी हिस्टामाइन के लिए किस दवा का रूप प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पैरासिटामोल, बी रेनिटिडाइन, सी प्रोमिथेजाइन और डी आइबोप्रोफेन। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका भी। एंटी हिस्टामाइन के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? पैरासिटामोल, रेनिटिडाइन, प्रोमिथेजाइन और आइबोप्रोफेन। तो काफ़ी उत्तर यहाँ भी आ रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो जी जिन्होंने दिया है सी प्रोमिथेजाइन उनका उत्तर एकदम सही है। तो बाकी के जो दवा है वो आपको मैं बता देता हूँ। पैरासिटामोल तो आपको पता ही है, साधारण ज्वर के लिए उपयोग में लाया जाता है। रेनिटिडाइन जो है वो अल्सर की दवा है और आइबोप्रोफेन ए काफ़ी जब शरीर में दर्द होते हैं तो आइबोप्रोफेन की दवा ली जाती है। 24वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। फल और सब्जियों में कैरोटीन कौन सा रंग देता है? ए हरा, बी गुलाबी, सी नारंगी या डी नीला। तो फटाफट हो जाएगा। तो कैरोटीन जो है वो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि बाकी के जितने रंग होते हैं खासकर अल्ट्रावायलेट, वायलेट, इन सारे किरणों को अवशोषित कर लेने की क्षमता होती है उसमें, और उसको उसके बाद जो बाहर कलर निकलता है, स्कैटर होता है, फैलता है, वो होता है ऑरेंज। तो नारंगी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है सी नारंगी, ऑरेंज उनका उत्तर एकदम सही है। जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। 25वां प्रश्न से बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर बोलूँगा, जो जो भाई बंधुगण नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा ताकि उन भाई बंधुओं के पास भी पहुँचे जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आज का 25वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। एक्वस कैबुलस किसका वैज्ञानिक नाम है? ए घोड़ा, बी ज़ेब्रा, सी गधा या डी भैंस। तो फटाफट बताइएगा इसका उत्तर। एक्वस कैबुलस किसका वैज्ञानिक नाम है? हॉर्स, ज़ेब्रा, डोंकी या बफेलो। तो काफ़ी यहाँ भी आ रहा है मिक्स, काफ़ी मिक्स आंसर्स आ रहा है अभी भी। तो चलिए कोई बात नहीं, तो मैं इसका भी उत्तर देता हूँ। एक्वस कैबुलस जो है वो घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है। तो जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है ए घोड़ा उनका उत्तर एकदम सही है। जिन्होंने गलत किया था प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आज का 26वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। एनाल्जेसिक्स से क्या होता है? ए एसिडिटी में आराम देते हैं, बी दर्द में आराम देते हैं, सी खुजली में आराम देते हैं या डी सूजन में आराम देते हैं। एनाल्जेसिक्स से क्या होता है? एसिडिटी रिलीव होती है, दर्द पेन किलर का काम करता है, सी इचिंग खुजली मिटती है या ब्लोटिंग सूजन से आराम होता है। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका भी, और काफ़ी आंसर से आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको बता देता हूँ, बी दर्द से आराम होता है। एनाल्जेसिक्स का उपयोग हम लोग पेन किलर के रूप में करते हैं। तो जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है बी उसका उत्तर सही था, जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किस तत्व की परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक है? सेम टाइप का क्वेश्चन एटमिक नंबर का। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कोशिश करिएगा कि सारे सबके सिंबल और एटमिक नंबर आप याद कर लें और मास अगर याद हो जाए तो और अच्छे। आपके ऑप्शन है क्लोरीन, ऑर्गन, सल्फर या स्केडियम।
तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। और काफ़ी आंसर्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपको कैल्शियम का पूछ रहा है एटमिक नंबर, तो सबसे पहले कैल्शियम का आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम का एटमिक नंबर है 20। तो अब बताइएगा इसका। चलिए मैं बताते जाता हूँ। क्लोरीन 17, मैंने पहले ही बताया था। ऑर्गन 18, सल्फर 16, तो बचा क्या? स्कैडियम। तो ए तो पक्का हो गया कि स्कैडियम का ज़्यादा होगा, 21 है स्कैडियम का। तो जी हाँ, स्कैडियम इज़ द करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर है। जिन्होंने आंसर दिया है उनका उत्तर एकदम सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 28वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। मानव प्राणी पारिस्थितिकी तंत्र के किस वर्ग से संबंधित है? ह्यूमन बींग जो है, हमारे हम लोग जो हैं, वो किस वर्ग में संबंधित हैं? ए सर्वाहारी, बी मांसाहारी, सी शाकाहारी, या डी प्राणी मन प्लक। तो फटाफट बताइएगा इसका। ह्यूमन बींग जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में किस तंत्र से बिलोंग करते हैं? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, या प्राणी मंद प्लक। काफी आंसर, जी हाँ, ओमनिवोर्स, सर्वाहारी होते हैं हम। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। पोलियो टीका ओरल का आविष्कार किसने किया था? ए जोनस सॉल्क, बी एल्बर्ट सबिन, सी बक होल्डर, या डी रॉबर्ट कोच। तो फटाफट बताइएगा इसका आंसर। ए प्रश्न भी ए लेकर मैं करीब करीब 3 बार करा चुका, आंसर तो मुझे सही मिलना ही चाहिए। पोलियो टीका का ओरल का आविष्कार किसने किया था? ओरल बार बार आप यहाँ पे मैं मेंशन भी करता हूँ, जोड़ भी देता हूँ कि आपको ध्यान रहे। ऑप्शंस है जोनास सॉल्क, अल्बर्ट सबिन, बक होल्डर, या रॉबर्ट कोच। तो काफ़ी आंसर यहाँ मिक्स आ रहा है, तो जी नहीं, आपके ए आंसर गलत है। यहाँ पे आंसर होगा अल्बर्ट सबिन। पोलियो टीका ओरल का आविष्कार अल्बर्ट सबिन ने किया था। और पोलियो वैक्सीन का जो फर्स्ट बीमारी है, डिजीज है, उसका आविष्कार किया था जोनास सॉल्क ने, जो कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ए 1955 में हुआ था जोनास सॉल्क के द्वारा। और अल्बर्ट साइन सबिन के द्वारा पोलियो टीका ओरल का 1961 में हुआ था। तो जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है बी, उनका उत्तर सही है। जिन्होंने गलत किया था उनका ठीक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। रिवॉल्विंग डोर दरवाजा दर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ए लुसियन विडी, बी जॉन वेन, सी थियोफिलस वैन कैनल, और डी लुइस उई। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका भी। रिवॉल्विंग डोर, जो डोर, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था, आपने देखा होगा बड़े बड़े होटलों में इस डोर का उपयोग किया जाता है। आप एक जगह से झुकेगा और ये डोर घूम जाएगा, फिर आप यहाँ पे इन कर दीजिएगा, दैट इज रिवॉल्विंग डोर। तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो काफ़ी बार मैं करा चुका हूँ, तो जी हाँ, सी थियोफिलस वैन कैनल इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने रिवॉल्विंग डोर का आविष्कार किया था 1888 में। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 31वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। किए गए कार्य को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ए यूडियोमीटर, बी एनिनोमीटर, सी हाइटोमीटर, या डी एर्गोमीटर। तो फटाफट बताइएगा इसका आंसर। किए गए कार्य को मापने के लिए, जो हम कार्य करते हैं उसको मापने के लिए जो उपकरण उपयोग में लाया जाता है उसका क्या नाम है? यूडोमीटर, एनिमोमीटर, हाइटोमीटर, या एग्रोमीटर। तो काफ़ी यहाँ भी आंसर्स मिक्स आ रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है डी, एर्गोमीटर इज द करेक्ट आंसर। एर्गोमीटर
जो जिम करते हैं एक्सरसाइज करते हैं उनको पता होगा एर्गोमीटर वहाँ बना रहता है, आप जितने मेहनत करोगे वहाँ पर मीटर रन करती रहती है, तो उसे कहते हैं कार्य को मापने वाला यंत्र। और बाकी के जो हैं यूडियोमीटर, पहला ए है केमिकल रिएक्शन को मापने वाला यंत्र। एनिनोमीटर तो आपको पता ही होगा हवा का वेग मापती है ये। और हाइटोमीटर मैंने अभी अभी कुछ देर पहले ही इस प्रश्न को कराया था, रेन वर्षा को मापने वाला यंत्र है हाइटोमीटर। तो जिन्होंने यहाँ पे डी आंसर दिया था एर्गोमीटर, उनका उत्तर एकदम सही था। चलिए 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 32वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। भौतिक मात्रा तनाव की इकाई क्या है? फिजिकल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेस, उसका यूनिट क्या है एसआई यूनिट? ए न्यूटन सेकेंड, बी स्टेडियन, सी पास्कल या डी जूल। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका भी। भौतिक मात्रा में तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन सेकेंड, स्टेडियन, पास्कल या जूल? तो जी हाँ, सी पास्कल इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने यहाँ पे पास्कल उत्तर दिया है उनका उत्तर एकदम सही है। जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 33वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक पर्यावरण के भाग के रूप में जाना जाता है? अबायोटिक एनवायरनमेंट, ध्यान दीजिएगा, अजैविक पर्यावरण, अजैविक है, बार बार बोल रहा हूँ ध्यान से। आपके ऑप्शन है ए पादप, बी वायु, सी जल या डी मृदा मिट्टी। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका, और उत्तर सही भी आना चाहिए क्योंकि ये भी काफ़ी बार मैं करा चुका हूँ इसका। तो जी हाँ एकदम करेक्ट है, ए प्लांट्स, प्लांट्स जैविक पर्यावरण में जैविक नहीं है। वायु वाटर जल और मृदा ए अजैविक पर्यावरण के भाग हैं। तो मैं बार बार इसलिए आपको बार बार बोला था अजैविक, अजैविक प्लांट्स जैविक में आते हैं। 34वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। नायलॉन क्या है? नायलॉन ए एक पॉलिस्टर है, बी एक पॉलीथीन है, सी एक पॉलीएमाइड है या डी एक पॉलीसेक्राइड है। तो फटाफट उत्तर दीजिए इसका भी, नायलॉन क्या है? तो काफ़ी आंसर्स यहाँ भी आ रहे हैं। तो नायलॉन जो है इसको फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया था 1930 में सर वॉलेस एच कैरथरस के द्वारा। तो ए जो है एक पॉलीएमाइड है। जिन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है सी पॉलीएमाइड, उसका उत्तर एकदम सही था। जिन्होंने गलत किया था प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर आशा करता हूँ सही मिलेगा मुझे, काफ़ी बार कराया हुआ प्रश्न है भी। कोशिका में चयापचय की प्रक्रिया कहाँ होती है? मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन जो होता है, मेटाबॉलिज्म सेल, वो कहाँ पे होता है रिएक्शन उसका? ए वैक्यूलस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट या डी सेंट्रीओल। तो काफ़ी यहाँ भी आ रहे हैं आंसर्स, तो ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ इसीलिए कि आप लोग को याद आ जाए, अगर जो जिन्होंने क्लास अटेंड किया पहले तो उनके लिए तो चुटकी में बनेगा ना, क्योंकि कुछ बोलते रहते हैं हमेशा सर बहुत इजी है बहुत इजी है, लेकिन आंसर्स मुझे उनके दिखते नहीं है ज़्यादा सही। जी हाँ, बी माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने यहाँ पे बी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, उनका उत्तर एकदम सही था। जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। एलर्जी का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? ए फैक्सोफेनाडिन, बी केटोकोनाजोल, सी आइजोथ्रोमाइसिन या डी बुप्रोपियन। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका भी। एलर्जी के इलाज के लिए किस दवा का, कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? ए फैक्सोफेनाडिन, बी केटोकोनाजोल, सी एजिथ्रोमाइसिन या डी बुप्रोपियन।